चैनल इजी सरकारी एग्जाम में फ्रेंड्स आज हम बताएंगे फ्रेंड्स सीरियस टू के। फ्रेंड्स इससे पहले हमने सीरियस वन की डिस्कस किए थे, अब सीरियस टू की डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त पॉइंट फ्रेंड्स सीरियस टू सिनोनिम्स एंटोनिम्स। फ्रेंड्स आपको पता है कि सीरियस का एग्जाम जो है फ्रेंड्स अप्रैल और मई में कंडक्ट होने जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उस पॉइंट को आप ध्यान रखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स ये हमारी सीरीज चलने वाली है 2014 से लेकर 2021 तक फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज चलने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे पूरे साल क्वेश्चन कवर होंगे फ्रेंड्स, सीरियस सिनोनिम्स एंटोनिम्स फ्रेजल वर्ब्स इडियम्स फ्रेजेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल चलते हैं, फिर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ठीक है। इस ट्यूटोरियल हमने पीछे साल के जो भी प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स वो भी डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, एस्पायर का सिनोनिम्स, ठीक है। तो 26 का जो राइट आंसर क्या फ्रेंड्स, ए। एस्पायर का जो नाम होगा ब्रीथ होगा, ठीक है, राइट आंसर ए होगा। सिक्वल SEQUEL sequel, sequel का फ्रेंड्स पूछ रहा है, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, sequel का जो सिनोनिम्स है फ्रेंड्स, ये हम मैं सिनोनिम्स डिस्कस कर रहा हूं, देखो ये सिनोनिम्स है फ्रेंड्स, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है क्या फ्रेंड्स, sequel का राइट आंसर आप दे सकते हैं, क्या हो सकता है, 27 का कंटिन्यूएशन, ठीक है, इज राइट आंसर। परपेचुअल, ठीक है फ्रेंड्स, परपेचुअल बात कर रहा है, परपेचुअल, परपेचुअल मतलब कभी ना खत्म होने वाला, बोले तो कांस्टेंट बना रहने वाला, ठीक है। अब फ्रेंड्स चलते हैं इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का जो राइट आंसर क्या फ्रेंड्स, इनडिफरेंट मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स बताना फ्रेंड्स, सिनोनिम्स। तो 32 का देखते हैं सिनोनिम्स क्या फ्रेंड्स, सी अनकंसर्न, कंडेमन, कंडेमन का फ्रेंड देखते हैं क्या होता है सिनोनिम्स। 33 का फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है, ए सिंस्योर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का सिनोनिम्स फ्रेंड्स आप देखते हो श्योर होता है, ठीक है, कॉमन सेंस है, तो कुछ नई बात नहीं है। डिफेक्ट, डिफेक्ट देखते हैं फ्रेंड, डिफेक्ट का क्या दिखा रहा है, इस सेकंड में थोड़ा वीडियो को स्क्रॉल कर देने से की तरफ, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, एसेंट, एसेंट का फ्रेंड्स क्या, एसेंट डिसेंट। 29 का देखते हैं राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, 29 का डी राइट आंसर क्या है, एग्रीमेंट, सहमति। डेफियंस 30 का राइट आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स, अटैक डिसोबीडियंस प्रोटेक्शन सिनेंस, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर क्या फ्रेंड्स, डिसोबीडियंस। हॉस्टैलिटी, हॉस्टैलिटी की फ्रेंड्स बात किया, ठीक है, 31st, ठीक है, 31st का फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी इलनेस, ठीक है। नेक्स्ट बात किया है आपका डिफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है, डिफेक्ट 35 का राइट आंसर क्या देखते हैं फ्रेंड्स, 35 का जो राइट आंसर क्या हो सकता है, डिफेक्ट 35। तो 35 का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, सी, ठीक है, शॉर्ट कमिंग, ओके फ्रेंड। देख लेते हैं जीलस, जीलस 36 का राइट आंसर देखते हैं, जीलस, ठीक है, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीलस मतलब क्या होता है, दुश्मनी, इनवियस। ट्रिप, ट्रिप तो फ्रेंड बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपको पता ही होगा, जर्नी करना, ठीक है, ना ही प्लान ना डिजाइन, ये तीनों में से कोई नहीं है, ठीक है, ये तीनों में से फ्रेंड्स कुछ नहीं है, ये राइट आंसर आपका जर्नी, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये आपके सिनोनिम्स थे, अब चलते हैं एंटोनिम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स थे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये वीडियो में सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब और अगर एडियम्स फ्रेंड पूछे गए हैं 2014 के पेपर के सीडीएस टू में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड, लेकिन फ्रेंड जो 2014 का सीडीएस पेपर है उसमें आपके फ्रेजल वर्ब्स पूछे नहीं गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स बेसिकली पूछे गए हैं, जो बेसिकली पूछे जाते हैं सीडीएस एग्जाम में फ्रेंड्स, ठीक है। ये 2014 का फ्रेंड्स पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी सीडीएस टू का, फर्स्ट का ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है मेरी वीडियो पे, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स चलते एंटोनिम्स लिख लेते हैं। फ्रेश, फ्रेश का एंटोनिम्स क्या होगा, बासी, बोले तो स्टल, ठीक है। डिनाई, डिनाई मतलब इनकार करना, एक्सेप्ट करना, एक्यूज करना, कर्ज करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो डिनाई का मतलब क्या होता है, 30 के राइट आंसर देख लेते हैं, ठीक है, ए एक्सेप्ट करना। चीयरफुल, चीयरफुल मतलब क्या होता है, खुशी, सैड बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मतलब क्या होता है, देख लेते हैं एफ्लुएंस का राइट आंसर 41, ठीक है, 41 का फ्रेंड्स राइट आंसर क्या दिया, बी दिया, पॉवर्टी, एफ्लुएंस बोले तो पॉवर्टी। 42 टू टिमिड, टिमिड मतलब बहुत ही डरा हुआ, ठीक है, तो बोल्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है।
42 का राइट आंसर क्या फ्रेंड्स, ए हो जाएगा। क्रिएट, क्रिएट मतलब कोई चीज बनाना, मतलब डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। फॉरबिड मतलब कोई चीज को मना करना, ठीक है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी, परमिट करना। मास्टर, मास्टर मतलब किसी का मालिक, मालिक का उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स, गुलाम, ठीक है। तो ये स्लेव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन थे सीडीएस के 2014 के पेपर में जो पूछे गए थे फ्रेंड्स, वो भी 2 के। फर्स्ट के हमने बता दिया कि ऑलरेडी हमने वीडियो पे अपलोड कर लिया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसको आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। और भी बहुत सारे जो राइटर्स जो एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं वो भी हमने अपलोड किए, वो भी देख के देख सकते हैं मेरे चैनल फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सीडीएस का सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। 2014 जितने भी सिनोनिम्स एंड टोनिम्स थे, 2015 जितने सिनोनिम्स एंड टोनिम्स थे, 2016 के तो जितने भी हैं फ्रेंड्स, सब डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। वीडियो को हमारे देखते रहिए, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ सीडीएस के। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।